हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुर्ती हॉल लेकर आ गई हूँ और ये हॉल भी फेस्टिव वियर पार्टी वियर होने वाला है, तो आप इसको आने वाली ईद में भी पहन सकते हैं और किसी भी ओकेशन पर आप पहन सकते हैं। जो भी आज जब भी आपकी मर्जी हो तब आप पहन सकते हैं। तो इन सारी कुर्तियों को मैंने ट्राई ऑन दिया हुआ है, वीडियो को एंड में भी मिलेगा फुल ट्राई ऑन देखने को एंड वीडियो के दौरान भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरा कोई से वीडियो मिस ना करो। तो आज का जो हॉल है वो शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली कुर्ती है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा रेड कलर में है एंड इस कुर्ती पे आपको पूरा ओवरऑल कुर्ती पे काम मिल जाता है विद मिरर। एंड जो मिरर वर्क है ये फॉल मिरर वर्क नहीं है, रियल जो मिरर है वो है, स्टिक किया हुआ है। एंड इसमें आपको राउंड नेक मिलता है, नेक पर भी आपको काम मिल जाती है चेन करी का एंड साइड में आपको पॉम्पर जैसा डिज़ाइन मिल जाता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। बहुत ही प्यारी कुर्ती है ये एंड इसमें आपको 3-4 सीज रिसीव होता है, सीज पर भी आपको काम मिल जाता है विथ मिरर। फैब्रिक जो है जॉर्जेट है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जॉर्जेट की क्वालिटी जो है। तो ये डार्क कलर भी है प्लस इसमें मिरर वर्क भी दिया हुआ है, तो आपको जब भी कोई सा फेस्टिव पार्टी में आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं विथ वाइट प्लाजो के साथ, तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये पहनने के बाद। तो इसमें आपको साइड में जो है स्लेट मिलती है एंड फ्रंट पे भी आपको स्लेट मिल जाता है, इतना सा स्लेट मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। वर्क इसकी काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो धागा है कहीं ऐसे वैसे नहीं निकला हुआ है कहीं से भी, फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है। बहुत ही प्यारी ये पीस मुझे लगी है, तो डेफिनेटली आप इस कुर्ती को ट्राई कर सकते हैं। एंड ये जो सारा जो कुर्ती जो मैंने परचेस किया हुआ है उस इंस्टा पेज का नाम है इथिका लिबास, न्यू इंस्टा पेज है ये, न्यू स्टोर है। तो कोई भी इंसान जैसे कि मैंने कहा है प्रीवियस वीडियो में भी कि जीरो से ही शुरू करता है, तो यस अगर इस कुर्ती से रिलेटेड कोई सा भी जानकारी लेना हो तो आप उनके पेज पर जाकर डीएम करके पूछ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही खूबसूरत कलर में है, ये कलर जो है जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। तो यस आप देख सकते हैं कि आपको चेस्ट एरिया पर कितना खूबसूरत आपको वर्क मिल रहा है, फिनिशिंग कितनी अच्छी मिल जाती है, राउंड नेक मिलता है आपको इसमें एंड नेक पर जो है आपको जो ऐसी डोरी मिल जाती है, ऐसा ये जो स्टिच किया हुआ है डोरी ऐसे डिज़ाइन में जैसे लगा हुआ है बंधा हुआ है, बट बहुत प्यारा है। एंड चेस्ट एरिया पर आपको ऐसे डोरी भी एक और अगेन मिल जाती है जो कि आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। फिनिशिंग बहुत अच्छी इस कुर्ती में मिल रही है एंड फैब्रिक भी जॉर्जेट की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें आपको जो है बेस्ट सीज रिसीव होता है, सीज पर भी आपको पूरा काम मिल जाता है। तो इसका काम जो है वो आप देख सकते हैं कि सीज पर आपको पूरा काम मिल रहा है। तो ये जो है ये शॉर्ट एंड शॉर्ट कुर्ती में इसको बोलेंगे, आप इसको जो चाहें तो जीन्स पे कैरी कर सकते हैं और प्लाजो पैंट जो भी आपकी मर्जी हो। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉक टाइप पैटर्न में है ये एंड ये शॉर्ट कुर्ती है एंड पूरा ओवरऑल काम मिलता है, नीचे आपको बॉर्डर वर्क भी मिल जाता है, प्यारा मतलब खूबसूरत बॉर्डर वर्क आपको नीचे मिल जाती है। तो इस कुर्ती को भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। कुर्ती का जो भी प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर मेंशन की हुई मिल जाएगी, नहीं तो आप उनके इंस्टा पेज पे जा कर डीएम करके पूछ सकते हैं। तो इस पीछे भी आपको इस कुर्ती पे काम मिल जाता है, तो फ्रंट बैक दोनों साइड आपको काम मिल रहा है, वो भी मतलब कि प्यारा जो दिखने में जो है ये कुर्ती, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, अट्रैक्टिव है। तो अब मैं जो है जो नेक्स्ट कुर्ती है वो आप लोग इसको दिखा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर में है एंड इसके ऊपर जो काम हो रखा है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। एंड ये जो है टू लेयर में बेस्ट सी वाली कुर्ती है, इनके पास बहुत ही अमेजिंग चिकनकारी कुर्ती के कलेक्शंस है, हर एक प्रकार का चिकनकारी कुर्ती आपको मिल जाएगा, जैसा आपकी मर्जी वैसे आप ले सकते हैं। तो ये सब देख सकते हैं कि टू लेयर में जो है आपको बेस्ट स्लीव्स ये मिल रहा है एंड स्लीव्स पर भी आपको काम मिल जाता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। तो काम जो है स्लीव्स पर वो आप देख सकते हैं कि ओवर स्लीव्स पर वो काम मिल रहा है, पूरे ओवरऑल कुर्ती पर भी आपको काम मिलता है एंड नेक पे है, नेक जो है थोड़ा सा कट मिल जाता है राउंड नेक में आपको। एंड इसका भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कुर्ती पे काम है, जॉर्जेट फैब्रिक है इसका एंड फैब्रिक की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको आप प्लाजो के साथ कैरी करेंगे एंड रेड प्लाजो के साथ अगर आप कैरी करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
बहुत ही प्यारी ये भी पीस है। तो साइड में आपको स्लेट मिलती है, स्ट्रेट कुर्ती है ये, एंड बॉर्डर वर्क आपको साइड में मिल जाता है। तो ओवर इस कुर्ती का जो लुक है वो आप देख सकते हैं। इस कुर्ती के पीछे भी आपको काम मिल जाती है, तो फ्रंट बैक दोनों साइड आपको इस कुर्ती में काम मिल रहा है। एंड अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट कुर्ती है वो दिखा देती हूँ। ये जो नेक्स्ट कुर्ती है ये अनारकली पैटर्न में है एंड ये ग्रे कलर में है। बहुत ही प्यारी पीस है ये। एंड आप इस ग्रे कलर में कुर्ती जो है, चिकनकारी कुर्ती जो होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब पहनने के बाद, और ख़ासकर जब अनारकली पैटर्न में हो तो इसमें जो है आपको राउंड नेक पे कट मिल जाती है एंड फ्रंट पे आपको ऐसे पंप जैसा डिज़ाइन मिल जाता है। ओवरऑल कुर्ती पे काम मिलता है, फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है आपको इस कुर्ती पे। तो यस, आपको इसमें जो है फुल स्लीव रिसीव होता है, स्लीव पर भी आपको बॉर्डर जैसा काम मिल जाता है एंड ओवरऑल स्लीव पे आपको फ्लावर जैसा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है। फिनिशिंग जो है मैं इस कुर्ती का बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इस पर जो है एक जगह भी ऐसा नहीं है कि इस पर काम ना हो रखा, पूरा का पूरा आपको इस कुर्ती पे काम मिल रहा है। फ्रंट पे जो है आपको स्लेट भी मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इतना कट मिल रहा है फ्रंट पे। एंड इसका घेर आप देख सकते हैं इस कुर्ती का, कि ये अनारकली पैटर्न में है, तो आपको जो है इतना घेर जो है, मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा तो नहीं, मैक्सिमम तो नहीं, बट घेर आपको इसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, फ्लेयर मिल जाता है आपको इसमें। तो ये भी बहुत ही प्यारी पीस है। तो आप इस कुर्ती का जो ओवरऑल लुक है वो आप देख सकते हैं। इस कुर्ती के आपको पीछे भी पूरा काम मिलता है, तो फ्रंट बैक आपको सेम टू सेम आपको काम मिल जाता है इस कुर्ती पे। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट कुर्ती शेयर करती हूँ। तो यस, जो नेक्स्ट कुर्ती है वो क्रीम कलर में है एंड इस पर जो काम हो रखा है ये सिल्क वाले जो थ्रेड होती है, बिल्कुल वैसा ही बहुत सॉफ्ट इसका जो है काम मिलता है एंड कॉलर वाइड नेक में वो कट मिल जाती है। साइड मतलब फ्रंट पे आपको ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है आपको इसमें। काम इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी है, कहीं से भी धागा इधर उधर नहीं हो रखा है, बहुत ही अच्छी ये भी पीस है। कलर जो है थोड़ा मतलब हल्का कलर है, बट अगर आप किसी डार्क प्लाजो के साथ कैरी करेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसमें आपको फुल स्लीव रिसीव होती है, स्लीव पर आपको जो है ऐसा काम मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये पहनने के बाद ये कुर्ती और ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इस कुर्ती का जो है ओवरऑल जो काम हो रखा है वो आप देख सकते हैं एंड फ्रंट पे जो है आपको इस कुर्ती में स्लेट भी मिलता है। तो मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ इस कुर्ती का जो है आप लोगों को लुक क्या है एंड स्लेट जो है आप लोगों को जो मिल रही है, तो इससे ये अलग कुर्ती जो है थोड़ा सा दिखने में लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको जो है इस कुर्ती पे स्लेट मिल जाती है एंड आपको जो साइड में जो वर्क मिल रहा है इस कुर्ती पे, नीचे जो बॉर्डर टाइप वर्क मिल रहा है, बहुत ही प्यारा वर्क आपको, मतलब बहुत प्यारा ये मतलब लगा, नीचे का मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है। तो इस कुर्ती का भी जो ओवरऑल लुक है वो आप देख सकते हैं। तो पीछे जो है आपको इस कुर्ती में बस एक ही जगह यही काम मिलता है, बाकी सारा एरिया जो है प्लेन मिलती है। एंड ये कुर्ती हमारी आज की लास्ट थी, तो अब आप लोग को मैं दिखा देती हूँ फुल ट्राई ऑन सारी कुर्तियों का।